हेलो। 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 हाँ, यस क्या हुआ? नेटवर्क कुछ गड़बड़ चल रहा है? सर, एक्चुअली वो वाईफाई चला गया एकदम से। हाँ अच्छा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? तो सर, 10 51 कैसे निकालोगे? 10 -51। पहले तो ये बताओ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा 10 -51? -51 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्यों पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव होगा? क्योंकि सर जो साइन अपॉन कॉस होगा। नहीं, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एंगल -51 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, इसीलिए तो वो बताया मैंने आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो 10 -51 फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। तो ये तो आपको पता चल जाएगा, साइन -51 लिखोगे अपॉन कॉस -51 लिखोगे, है ना? तो दोनों का वैल्यूज यस ऑलरेडी आपको पता है, साइन -51 सर, एंड कॉस माइनस फिफ्टी माइनस वन हियर इट इज। सो वी कैन सिंपली प्लग देम देयर एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू, राइट? चलो, सर, हाँ, अभी कौन सा करना है बताओ जल्दी। पेज नंबर 502। 502, हाँ, इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट है ये? तो मल्टीपल 30 और 45 डिग्री। हाँ, मल्टीपल ऑफ 30 एंड 40 45 डिग्री, है ना? तो ये क्या है, इसमें मैं यस सर। आपको बताता हूँ। देखो, सिमेट्री नेचर जो होता है, लाइक सी, इफ यू हैव अ यूनिट सर्कल, राइट, दिस इज योर यूनिट सर्कल, सो द सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना? द सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। सिमेट्रिक मतलब क्या हो रहा है, कि अगर आप फोल्ड करते सिमिलर, हो, सिमिलर होता है, इक्वली है, एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है, आप बोल सकते हो। सिमेट्री मतलब होता है कि आप अगर वाई एक्सिस डाले हो, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, सो इट कट द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स, राइट? तो अगर आप फोल्ड करोगे, वन पार्ट को अगर फोल्ड करते हो लाइक दिस अबाउट वाई एक्सिस, तो ये कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, है ना? ऐसे ही अगर आप फोल्ड करते हो द सर्कल अराउंड एक्स एक्सिस, इट विल कंप्लीटली ओवरलैप द हाफ पार्ट ऑफ इट, राइट? तो ये सिमेट्री नेचर ऐसे ही होता है ना, है ना? ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो यस सिमेट्री। सर, अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, सो इट विल कट द ह्यूमन बॉडी इन इक्वल पार्ट्स, राइट? तो सिमेट्री नेचर ऐसा होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री, लाइक इफ सपोज आई हैव 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल है कितने का, 30 डिग्री है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, वो क्या होगा, सबसे पहले तो वो बता दो मुझे। cos 30 sin 30, cos 30 कॉमा sin 30 होगा, है ना? तो cos 30 क्या होता है, अगर आप फाइंड आउट करोगे cos 30, तो क्या होता है? सब √3/2। cos 30 इज रूट थ्री थ्री बाय बाई टू टू एंड sin 30 इज हाफ, है ना? चलो, अभी इसमें sin 30 अगर आप फाइंड आउट करते हो उसमें कैलकुलेटर से, तो क्या मिलेगा आपको, हाफ मिलेगा, है ना? चलो, लेकिन आपको ना अकॉर्डिंग टू बुक बता देता हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू पे एग्री नहीं करोगे कभी कभी, ठीक है? तो इसको पहले ना 45 करते हैं। इंस्टेड ऑफ 30, लेट्स टेक दैट एज 45,
तो ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, कॉस 45 कॉमा साइन 45, राइट। अगर मैं पी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस पे, ओके, सो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्यू, तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है लाइक दिस, है ना। ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपी, ओपी का लेंथ क्या है, वन 1 है, बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 45 है, ये पी ओ क्यू, सो कैन कैन वी फाइंड आउट द एंगल ओ पी क्यू। यस सर, क्या होगा वो, सर 180 - 90 -45 कितना होता है, 45। हाँ ठीक है ना, तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अकेला 90 है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये दोनों मिला के 90 होने वाले हैं, है ना। तो इन दोनों का सम अगर 90 है, इफ वन वन ऑफ देम इज 45, अदर हैज टू बी 45, ठीक है। चलो अभी इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, लेकिन बिकॉज ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस बिकम आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज ऑफ दिस टू इक्वल एंगल, है ना। एक्स और वाई क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके अपोजिट एंगल इक्वल है, सो देयर अपोजिट साइड्स विल ऑल्सो भी इक्वल, तो एक्स एंड वाई इक्वल होंगे, राइट। और जैसे एक्स एंड वाई इक्वल होंगे, कैन बी अप्लाई पाइथागोरस बिकॉज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर आप पाइथागोरस लगाते हो, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वन। सिंस सिंस एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना, तो मैं कोई भी एक रिप्लेस कर दूं, एक्स के जगह पे वाई डाल देता हूँ, और या तो वाई के जगह पे एक्स डाल देता हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा, राइट। सिंस एक्स इज इक्वल टू वाई, सो दिस गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू, सो एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, वन ओवर रूट वन बाई टू, है ना, हाँ, तो वन ओवर रूट टू, ठीक है। तो आप देखो कैलकुलेटर में, अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट वन ओवर रूट टू मिल रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो भी वन ओवर रूट टू होगा, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू वन ओवर रूट टू। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो वन ओवर रूट टू होगा, कॉमा वन ओवर रूट टू होगा, है ना। बट होना क्या चाहिए, कॉस 45 एंड साइन 45, इसका मतलब आर दे इक्वल, यस दे आर इक्वल, सो कॉस 45 इज इक्वल टू वन बाय रूट टू एंड साइन 45 इज ऑल्सो वन बाय रूट टू, आर यू गेटिंग दिस, यस सर। तो आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लो, यू विल फाइंड द सेम आंसर। पहले ये वेरीफाई कर तो करो, फिर उस सिमेट्री नेचर पे जाते हैं। डन सर, डन। तो अब सिमेट्री नेचर क्या बोलता है सर्कल का, लाइक दिस इज योर सर्कल, राइट, दिस इज योर सर्कल, वी गॉट पॉइंट पी which makes an angle, OP makes an angle 45 with positive x direction, right? अब मैं अगर एकदम ये point ले लूँ, which is, you know, like this, यहाँ पे ये point है, इसको P prime बोल देता हूँ, ठीक है ना, P dash और P prime, तो OP कितना का angle बनाएगा, OP prime कितना एंगल बनाएगा, ओ पी प्राइम विथ एक्स एक्सिस विथ एक्स डायरेक्शन,
अगर मैंने ये लिया, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, आप ध्यान देना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, पी पी डैश इज पैरेलल टू एक्स, राइट, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अगर आप यू नो दिस राइट पार्ट को आप ओवरलैप करते हो लेफ्ट पार्ट पे, मीन्स इफ यू वॉन्ट टू रोटेट द सर्कल अराउंड वाई एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करोगे अगर सर्कल को, सो इट विल एग्जैक्टली ओवरलैप द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट, दिस इज व्हाट द सिमेट्री नेचर इज। तो ये जो P है, पॉइंट P विल एग्जैक्टली ओवरलैप ऑन P प्राइम, होगा ना, पॉइंट P विल एग्जैक्टली ओवरलैप ऑन P प्राइम, राइट। यस सर। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है दिस एंगल, राइट, ये एंगल कितने का होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ओके। तो अगर ये 45 है तो 90 का, नहीं नहीं 90 नहीं होगा, पूरा एंगल ये कितना होगा, नहीं नहीं ये कितना होगा, ये एंगल, इसको चलो बी बी डाल देता हूँ, तो ये एंगल कितना होगा, P डैश ओ बी, ओ बी 45 होगा, क्योंकि देखो ना ये 45 है यहाँ पे, यस सर, तो ये उसका सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री नेचर दिस विल बी 45। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है P डैश ओ क्यू, तो कितना एंगल होगा P डैश ओ क्यू, 135, हाँ 180 माइनस 45, So 180 माइनस 45 आपको मिलेगा 135। तो अगर आप 135 कॉस में डालते हो, कॉस 135, साइन 135, आइडियली वो वैल्यूज कितना आना चाहिए, देखो y कोऑर्डिनेट तो सेम है, अगर आप ध्यान से देखोगे p और p डैश का y कोऑर्डिनेट सेम है ना, बिकॉज दे आर एट द सेम हाइट फ्रॉम x एक्सिस, तो P और P डैश का Y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है सेम, तो सेम है, तो इसका मतलब जो ये P डैश का Y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज ऑल्सो 1/√2, दैट मस्ट बी सेम एज साइन 45, एंड बोथ आर एक्चुअली 1/√2, बिकॉज बोथ आर एक्चुअली Y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच आर एट द सेम हाइट फ्रॉम X एक्सिस, बात समझ में आ रहा आपको, यस सर, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा बट साइन चेंज हो जाएगा, देखो कॉस 135 विल आल्सो सेम एज कॉस 45, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगा, मतलब दैट इज इक्वल टू 1/√2, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो कॉस 135 का साइन क्या होगा, माइनस, माइनस होगा, बिकॉज दैट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप हो तो एक्स कोऑर्डिनेट वहां पे नेगेटिव आना है ना, तो इसका मतलब कॉस 135 क्या है, नेगेटिव है, राइट, तो अगर इसको नेगेटिव को नेगेटिव करो तो पॉजिटिव आएगा, तो उसको कॉम्प्लिकेट मत करो आप, तो बेसिकली जो ये होंगे आपका कोऑर्डिनेट जो होगा वो कॉस 135 होगा, और वो आपको क्या मिलने वाला है, नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव व्हाट, वैल्यू सेम रहेंगे लेकिन नेगेटिव 1/√2 मिलेगा, आप वेरीफाई करो, आप कैलकुलेटर से वेरीफाई करो ये सब बातें, साइन 135 एंड कॉस 135, यस सर, आ रहे ना, कॉस का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, सेम वैल्यू मिलेंगे, वैल्यू सेम मिलेंगे, सिर्फ नेगेटिव मिलेगा और साइन 135 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अगर मैं अभी पी प्राइम का फिर से एक सिमेट्री ले लूं, सिमेट्री पॉइंट ले लूं अबाउट एक्स एक्सिस, कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, लेट से दैट एज पी डबल डैश, ठीक है ना, पी डबल डैश, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा डायरेक्टली,
यस सर, क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा एज ऑफ पी डैश, सर, तो -1/√2होगा, है ना? क्योंकि देखो, सर, बिकॉज ऑफ सिमेट्री द कोऑर्डिनेट्स विल रिमेन सेम, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो एक -1/√2 होगा, दूसरा भी -1/√2 होगा, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव आने वाले हैं। अच्छा, यस अगर सर, मैं एंगल पूछूं आपको कि एंगल क्या होगा इसमें, तो एंगल बता दो किसका, OP′ का विथ एक्स डायरेक्शन, एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये पूरा का पूरा एंगल मैं पूछ रहा हूँ आपको, कितना हो जाएगा वो? सर 225। वेरी गुड, क्योंकि ये 180 प्लस 45, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट एंगल, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएंगे, है ना? ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएंगे। तो मैं आपको सिमेट्री नेचर समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो 180 प्लस 45 कितने होते हैं? कॉस 225 कॉमा साइन 225। अगर आप वेरीफाई करोगे दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, और दोनों का वैल्यू सेम होगा जो आप कैलकुलेट करते आ रहे हो। यस क्लियर है? चलो, अभी आप मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट है, अगर मैं पी को फिर से यहाँ पे सिमेट्री ले लूं, और ये पी डबल डैश का एक सिमेट्री यहाँ ले, दोनों एक्चुअली इंटरसेक्ट हो जाएंगे, क्या होगा? इसको पी ट्रिपल डैश बोल देते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट बता दो फटाफट। और -1/√2, 7/√2 -1/√2यस, माइनस माइनस वन वन बाय बाय रूट रूट टू और एंगल क्या बनाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस से फोर्टी बोलो, फाइव प्लस, 45 बोलोगे 315। हाँ, मतलब एक्चुअली ये 45 -45 है ना, तो ये 45, ये भी 45 है, मुझे पॉजिटिव में चाहिए, तो 360 -45 कर दोगे, है ना? तो 360 -45 यस करोगे सर, तो 315। आप फिर से वेरीफाई कर सकते हो, कॉस 315 एंड साइन 315 विल गिव यू एग्जैक्टली सेम वैल्यू एज दैट ऑफ 1/√2 एंड -1/√2, है ना? यस सर, तो क्या इससे आपको पता चल रहा है, आपने क्या सीखा है यहाँ पे? हाँ, सारे सिमिलर ही आ रहे हैं, सिर्फ साइन का चेंज है। बिकॉज ऑफ सिमेट्री नेचर, ठीक है? बिकॉज ऑफ यस सिमेट्री सर, नेचर, जो लेंथ आ रहे हैं आपका, जो लेंथ आ रहा है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, लेंथ बोल दिया इसका मतलब पॉजिटिव है। जो लेंथ आ रहा है आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, जो लेंथ आ रहा है ना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो आपका सेम आ रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस और द क्वाड्रेंट वी आर गेटिंग डिफरेंट साइन, ठीक है ना? तो यही है मल्टीपल ऑफ 30 एंड 40। मल्टीपल ऑफ 45 का मतलब क्या है? देखो आप, यहाँ पे 45 था, है ना? तो 45 इंटू 2 किया, कितना आया? 90। 90 तो 90 कौन सा एंगल है? वाई एक्सिस पे, है ना? वाई एक्सिस पे, वो छोड़ दो। 45 इंटू 3 किया, कितना यस सर, आया? 135। यस सर, 135 पे सेम आ रहा है। 45 इंटू 5 किया, है ना? तो ये आएगा ओपी, ओपी डबल डैश, इसका भी सेम आ रहा है, 45 ट्वेंटी इंटू, है ना? तो आप जब कोई भी एंगल पकड़ोगे तो उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे, यू विल रोटेट अराउंड द सर्कल, और उसके वैल्यूज सेम आते जाएंगे, है ना? कुछ वैल्यूज के बाद, ठीक है? ये बस यस सर, ऑब्जर्वेशन की बात है, इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात है, ज्यादा कुछ है नहीं, बट ऑब्जर्वेशन करना है ना? यस सर, ठीक है, अभी ये मल्टीपल ऑफ 30 दिखा देता हूँ एक बार फटाफट। ये आपका मल्टीपल ऑफ क्या है? 30 है। तो मल्टीपल ऑफ 30 में
30 × 2 क्या होता है 60, है ना। तो अगर मैंने 60 लिया, यहाँ पे एंगल कितना है, ये पी ओ ए कितना है 60 डिग्री है। हाँ, एंगल यस पी सर। ओ ए क्या है 60 डिग्री है, राइट। पी ओ ए दैट इज 60 डिग्री। मैंने क्या डाला यहाँ पे, एक पी एन डाला है, परपेंडिकुलर, है ना। पी एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ओके। पी एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यस सर। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है विच हैज एंगल 60 एंड 90। राइट एंगल मतलब एक एंगल तो 90 है, दूसरा एंगल क्या है 60 डिग्री है, राइट। लाइक दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज एन, है ना, क्लियर है। तो ये एंगल कितना होगा, यस सर। ये एंगल कितना होगा, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा, है ना। अगर आप इसको फिर से ऐसा करते हो कि ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ए पॉइंट ए है, यू कैन चेक योर डायग्राम। अगर मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट के ले लूं, ठीक है ना, इन्होंने क्या लिया है, वाई कोऑर्डिनेट को के ले लिया है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है ना, ये भी 30 है, ठीक है। यस एंड सर। बिकॉज ऑफ द ट्राइंगल एओपी, एओपी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि ये कितना है साइज इसका, 1 है, ओपी भी 1 है ना, और ये 60 डिग्री यस है, ये 60 डिग्री है। तो ओ पी ए क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। यस सर। देखो ये एंगल कितना है 60 है, ये दोनों लेंथ कितना है यस सर। 1 1 है। अगर ये 60 है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है, इसका मतलब ये एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है ना, यस सर। बात समझ रहे। और ये बीच का एंगल 60 है, तो ये दोनों एंगल तो सेम होंगे एज वेल एज उनका सम 120 होगा, क्योंकि तो ये 60 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो 180 माइनस 60 इज 120, तो यस सर। 120 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसका मतलब 60 60, इसका मतलब वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। यस इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप जैसे परपेंडिकुलर डालते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप अगर परपेंडिकुलर डालते हो किसी भी साइड पे, तो उसको क्या करता है, इक्वली डिवाइड कर देता है। तो यस सर। ये इसलिए यहाँ पे हाफ लिखा है, दिख रहा है आपको बुक में, यस इसलिए सर। वहां पे हाफ लिखा है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हाफ हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस ऑफ यस द सर। पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज एक्स एक्सिस। तो ये हाफ कॉमा के मिला, और ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दो, ओपीएन में, ट्रायंगल ओपीएन में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपको के का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ट्रायंगल ओपीएन में पाइथागोरस डाउनलोड करो ये पेज। डन सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट यस क्लास सर। में मिलते हैं। समझ में आया आपको ओके सब, सर। सब बात समझ में आया क्या है यहाँ पे। तो ये फिर ये सर्कल यस आप थोड़ा देखना क्या है, हाँ, आप एक बार ये फाइंड आउट कर लोगे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट प्रॉपरली, फिर वही है सिमेट्री लगाते जाओ, है ना, सिमेट्री लगाते जाओ, उसका मल्टीपल लिखते जाओ, आपको मिलते जाएगा सर। ओके, डिस्कस करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके, चलो बाय बाय।